बेटे कुमार है ने ये सेट होगा अपने घर का होगा तू छोड़ दे मने अबे जा जा बहुत देखे तेरे जैसे की कर से अंदर तो मुझे अरे बाहर दो तू दारू के नशे में है पागल हो गया तू अरे वो तो अंदर भी चला गया अब क्यों झगड़ा कर रहा है वो कब तक बाहर नहीं आएगा मैं तो उसको जान से मार डालूंगा मैं उसका खून पी जाऊंगा छोड़ दे मगर हरिया मेरे पास तुम बच्चे ने अडमुआ कर दिया है मैं इसे जमीन में गाड़ दूंगा मेरा नाम हरी राम है घर चल तो चला जा तो पर बेटे की कसम ऐसे जान से मार दूंगा इसका खून करके छोड़ूंगा मैं अब चल हरिया चल चलो भैया देखो तो हरी राम को कितना शरीफ आदमी है पर नशे में क्या बकबक कर गया है मुझे तो डर लगता है बाबा कहीं कुछ करना बैठे अरे करने वाला तो भगवान है चाचा तुम बेफजूल गम कर रही हो पर भगवान के नाम से पेट तो नहीं भरता बिटुआ इसके लिए तो पैसा चाहिए पैसा पैसे के लिए तो दुनिया रो रही है चाचा पर पैसा तो सपनों में भी नहीं दिखे बेटा तू कैसा ठीक है आज कितने दिन हो गए तुझे आए हुए तेरी जरा भी खातिर नहीं कर सकते और तू कल जा रहा अपन गगम ना करो चाचा यहाँ तो घर की बात है घर भी कैसा घर दिन भर जेबों की तलाशी लेते हैं और रात को मुर्दों की बगल में आके सो जाते कहीं कोई कोठड़ी वोठड़ी क्यों नहीं मार ली चाचा बेटा होकर दिल लगी करता है तू क्या हुआ यहाँ जहर खाने के लिए पैसा नहीं और तू कोठरी की बात करता है अरे ये कम है कि बाप दादा की इज्जत लिए बैठा हूँ नहीं तो कब का पहुंच जाता दिल्ली तेरे पास दिल्ली अब वो दिल्ली कहाँ चाचा हाँ तू ठीक कहता है मसीतू जब तो चोर बाजार का पैसा था न जेब काटने वाले को धोखा न कटवाने वालों को गम दोनों अपनी अपनी जगह खुश तेरी जान कसम चाचा अब तो रुपल्ली दो रुपल्ली भी इधर से उधर करो तो रपट शहर भर के थानों में चली जाए और वो थाने वाले तो हमारी उंगलियों का फोटू भी रखने लगे अरे थाने वालों की तो अक्कल मारी गई है मैं इंस्पेक्टर जनरल से मिलूं तो कहूं भैया जब पाकिट ही गायब तो उंगलियों के निशान कहाँ है ले बिटवा आज एक बाबू की जेब से यही चने निकले थे क्या जमाना आ रहा है तो चले भी वो चले नहीं रहे मसीते हाँ चाचा अपने दादा पर दादा नाजुक बखत में एक भजन गाया करते थे तो फिर गाओ ना इससे नाजुक बखत और कौन सा आएगा तू भी साथ गाएगा ना हाँ शुरू तो करो अच्छा भेज दे 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 भेज दे चाचा बेटा भेज दे 56 करोड़ की चौथाई पास बीड़ी है न दिया सलाई ओ, ओ, ओ अपना धंधा तो हो गया मंदा चैन पाएगा किस तरह बंदा भे छना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं भे छना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ अरे वाह चाचा बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं बेचना छन डब्बा है दिल का खाली ला इसमें नोट भर दे ला इसमें नोट भर दे वो ऊंची बैंक वाले अपना भी काम कर दे अपना भी काम कर दे अरे हम हैं शरीफ लोगा दुनिया में बात रख दे दुनिया में बात रख दे दीन दयालु धन बरसाते हम झोली फैलाते हैं चाचा बेटा दीन दयालु धन बरसाते हम झोली फैलाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं
हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं। बे छना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं। बे छना छन जल्दी से भेज कोई होती है अपनी खोटी, होती है अपनी खोटी। अरे इतना तो माल आए चल जाए दाल रोटी, चल जाए दाल रोटी। तेरा बनाए मंदिर अपनी बनाए कोठी, अपनी बनाए कोठी। चाचा बेटा भेज नगद नारायण कोई हम ये मंत्र गाते हैं। छू छा चुर पुर छू छा चुर पुर छू भेज नगद नारायण कोई हम ये मंत्र गाते हैं। हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं। हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं। बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं। बेटा चाचा बेटा चाचा बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं। हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं। बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं। बेचना छन भेज 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 अरे भेज ऊपर वाले। मसीतू देख कोई आ रहा है। अरे मैं ना कहता था कि नाजुक वक्त में ये भजन बहुत काम आता है। तू जरा ठहर मैं अभी आया। हे भगवान या पीर दस्तगीर इसी की जेब में डाल देता। क्या कर दिया चाचा? अम्मा घर ही दौलत लौटा दी। अरे तू नहीं समझता आजकल का पाकेट मार है ना, जरा भगवान से भी डर है। जिसने तुम्हारी इज्जत रखी है तुम्हें भी उसकी इज्जत रखनी चाहिए ना। अपनी लालच के लिए किसी को जान से नहीं मार डालना चाहिए। चल इसके लड़के का नाम होगा। प्यारा नाम है। नाम तो अपना भी रतन था बेटा, मगर घिसते घिसते घसीटा हो गया। ओ मुकंदा कहाँ जा रहे हो? मेरा एक ट्रक खराब हो गया। हरिया कहाँ भागा जा रहा है? मैंने जल्दी जाना है, मेरा बेटा। कौन है तू? हरिराम। कहाँ भागा जा रहा है? मैं घर जा रहा हूँ, मेरा बेटा। रत्ना तू अभी तक जाग गया बेटा, सो क्यों नहीं जाए? मुझे डर लगता है बापू। डर मत बेटा, मैं आ गया ना, अभी मैं तुझे छोड़ कर अकेला कभी नहीं जाऊंगा।
हरिया तुम्हारा नाम है? हाँ जी। क्या बात है थानेदार साहब? पकड़ लो इसे। मैंने क्यों पकड़ो? मैंने क्या किया थानेदार साहब? भोला राम का खून किया है। भोला राम का खून? हाँ। मैंने तो नहीं किया थानेदार साहब, मैंने खून नहीं किया। ले चलो इसे। थानेदार साहब मैंने खून नहीं किया, मैंने छोड़ दो। कुछ कहना है अदालत में कहना। चलो मुकंदा शांति। हाँ झगड़ा तो मेरे सामने हुआ था, पर मैं न जानता था कि आदमी गुस्से में इतना अंधा हो जाता है। सुन लिया तुमने? नहीं दरोगा जी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने बेटे की सौगंध खाता हूँ, मैंने बोला राम को नहीं किया। ले चलो इसे, तुम भी चलो बयान लिखवाने। ऑर्डर ऑर्डर। बस जुमला कवायद से पता चलता है कि मुजरिम हरी राम ने भोला राम सौकार का कत्ले अमद किया है, अगरचे उसने शराब पी हुई थी। ताहम झगड़े के वक्त वह अपने पूरे होश व हवास में था, और जिससे अपने फेल के मायने बखूबी समझ सकता था। ऐसे मुजरिम को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, इसलिए अदालत सेक्शन 302 IPC के तहत मुजरिम हरी राम वल्द जयराम दास को सजाए मौत देती है। मैंने खून नहीं किया डॉक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया। बापू। रत्ना। बापू। रत्ना। बेटा। तू दुबला हो गया रे, खाना नहीं खाता क्या? खाता हूँ बापू। कौन खिलाता होगा तुझे? क्यों बापू, राधा मौसी जो है मुझे सब प्यार करते हैं। भगवान ही सबका भला करेगा बेटा। बापू स्कूल वाले सब लड़के कहते हैं कि तेरे बापू ने खून किया, क्या सच्ची तुमने खून किया? नहीं बेटा, मैंने खून नहीं किया, भगवान कसम मैंने खून नहीं किया। तो फिर तुम घर क्यों नहीं आते बापू? आ जाओ बेटा, आ जाओ। जल्दी आ जाओ बापू, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। बहुत जल्द आ जाऊंगा, मगर तू अपना ख्याल रखा कर बेटा। अच्छा बापू। तू रात को जल्दी से खाना खा के सो जाएगा। पर तुम रोते क्यों हो बापू? मैं तो नहीं रो रहा बेटा, मैं तो हंसता हूँ, तू भी हंस। रमजानी चाचा, सुना हरी राम को शिशे में फांसी की सजा हो गई है। हाँ भैया, इसी का तो रोना रो रहे हैं, सर्वनाश हो गया बेचारे हरिया का। कितना शरीफ आदमी था वो। गाय था बिल्कुल, ऐसी आपत्ति आके पड़ी, पहले बीवी मर गई और अब घर ही उजड़ गया बेचारे का। दे देकर एक बेटा रह गया है, अल्लाह जाने क्या होगा उसका। दादा, दादा। मैं बापू से मिलके आया हूँ, वो कहते हैं उन्होंने खून नहीं किया, अब वो जल्दी ही घर आ जाएंगे। बापू आ गए तो तुम मुझे लड्डू खिलाओगे ना दादा? मैं ही खिला दूंगा बेटे। लड्डू भी, पेड़े भी। रत्नू रत्नू, कहते हैं तुम्हारे बापू को फांसी हो रही है। फांसी? फांसी क्या होती है? सुना है गले में रस्सा डाल के लटका देते हैं। फिर क्या होता है? ये मुझे नहीं मालूम। बापू, बापू, तुम बोलते क्यों नहीं बापू? बापू, मेरा बेटा। ये क्या है बापू? इसे तोड़ डालो बापू, इसे तोड़ डालो। नहीं बेटा, अब ये नहीं टूटेंगे। ये तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं बापू? कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने फांसी देने ले जा रहे हैं। फांसी? सब यूँ कहे, मैंने खून किया। तुमने खून नहीं किया बापू, तुम्हें तो कहते थे तुमने खून नहीं किया। तुम चुप क्यों हो बापू? अब मैं किसके पास रहूंगा? तेरी राधा मो, तेरे रमजानी दादा, वो सब तेरा ख्याल रखती थी। चलो तैयार हो रही है। बापू। चलो ने, देखता क्या है, चल। बापू चलो। बापू। बापू। बापू।